मैं मनीषा द फैक्टेई में आप सबका स्वागत है. आज हम फिर से आए हैं डेरा सच्चा सौदा में. हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं कि आखिर जो लोग इतने सब लोग जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, जो लगातार डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, आखिर वो सब क्या जानते हैं सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह की ईसा के बारे में. आखिर सच्चाई क्या है डेरा सच्चा सौदा की. इस सबको सामने रखने के लिए हम खुद डेरा में आए हैं और यहाँ पर आने वाले लोगों से बातचीत कर रहे हैं. हेलो मैम, क्या नाम है आपका? गुरमीत कौर. ईसा कहाँ से हैं? सुख सागर कॉलोनी. सुख सागर कॉलोनी, यानी कि आप सिरसा से ही हैं? हाँ जी. डेरे के पास? हाँ. कितना समय हो गया आपको डेरे में आते हुए? मेरे को 20 साल हो गए. 20 साल? 25 साल हो गए. तो मैडम, इतना समय हो गया आप डेरे से जुड़ी हुई हैं और डेरे में आ रही हैं, तो क्या पिछले कुछ सालों में जो बहुत कुछ हुआ आपने वो सब नहीं देखा? हमने तो यहाँ पे भलाई के कार्य देखे और गलत काम तो हमने कोई भी नहीं देखा, कि दिन रात डेरे में ही रहते हैं. दिन रात ही? हाँ जी. अच्छे नहीं है, झूठ बोलते हैं सब. क्या आपके साथ यहाँ कभी कुछ गलत हुआ? नहीं जी, हमारे साथ कोई गलत आपने कुछ गलत? हमारे साथ अच्छा ही हुआ है. अच्छा ही? हाँ जी. तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? यहाँ पर किस तरह का माहौल होता है जब आप सब लोग रहते हैं? हम तो घर में इतना सुरक्षित नहीं मानते जितना यहाँ के मानते हैं. शांति मिलती है दरबार में आके, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं जहाँ पे, नशे पत्ते तो दूर हैं. क्योंकि अगर हम अगर किसी पिंड में शहर में जाएं ना, तो वहाँ पे नशे वालों को इतना बुरा हाल है. क्योंकि हम तो घर से आए इसीलिए थे कि हमारे बच्चे वहाँ पे बच्चे रहें. हमारे बच्चे बढ़िया है, मालिक का नाम ध्यान दे है, शाम सवेरे डेरे च आते हैं, शांति मिलती है, घर में सुख शांति है. तो बहुत सी बातें मीडिया में आई थी, डेरे में सुरंग है, यहाँ पर ऐसा कैसे है, तो क्या कहना है आपका? जो गुरुजी पर बहुत सब कुछ बोला गया, उन सब के बारे में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत है, जेल जाम जो लगा रहे हैं मेरे ख्याल से तो बिल्कुल गलत है. हमने तो इतने साल हो गए, मेरे हस्बैंड जहीं पे रहते हैं वो भी आते हैं डेरे में, पास में दुकान कटिंग की हमारी यहाँ पे. हम घर से आए थे ना, कुछ भी नहीं था हमारे पास, सिर्फ गुरु जी के लड़ लगे हैं ना, सब कुछ बना दिया. मेरे बच्चों को बचाया है, लड़के को सांप ने काट लिया था, पिताजी ने इतनी रहमत करी. मैं सिर्फ यहाँ पे आई, 5 मिनट सिमरन किया, पिताजी मेरे बच्चे को बचा दो, बस. मालिक ने मेरे बच्चे कितनी लाज रखी, 3 घंटे हो गए सांप ने काटे हुए, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ. इतना विश्वास है गुरु जी के ऊपर हमारे को, बहुत ज़्यादा. तो क्या आप आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे डेरे में? हाँ जी, चाहे कुछ भी हो, दुनिया चाहे कुछ भी कह दे आके, कुछ भी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के कहने पर. इतना विश्वास है पिताजी के ऊपर, खुद से भी ज़्यादा. तो जो लोग डेरे में नहीं आते, गुरु जी को नहीं जानते, आप उन्हें डेरे के बारे में, गुरु जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? उनका व्यवहार जब वो आप लोगों से मिलते थे किस तरह का होता था? नहीं, हमारे तो खैर इतना नहीं फर्क पड़ा यहाँ पे आके. हमारे जो आसपास के हैं वो तो इतना कोई नहीं है. हम तो जिसको भी बस बोलेंगे यही बोलेंगे कि दरबार में आओ, आपका अपना दरबार है, ठीक है. और जहाँ पे आके इतनी शांति मिलती है, मैंने इतनी जगह जाके देख लिया, मैंने कहीं पे मेरे को कुछ नहीं इतना महसूस हुआ. जहाँ पे जब गुरुजी के लड़ लगी ना, जब से ही बार यहाँ पे आके इतनी ठंडक मिलती है कि मन शांत हो जाता है. आपको लगता है आज भी समाज को गुरुजी की ज़रूरत है? हाँ जी, बहुत ज़रूरत है, आना चाहिए. क्योंकि आज कल युग के ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. जो आज कल का कितने, जब से गुरु जी गए हैं कितनी बीमारियाँ फैल गई हैं. कोरोना आ गया, पहले कुछ था ऐसा? बिल्कुल नहीं था. अब बीमारियाँ कितनी बढ़ रही हैं, गंदगी कितनी फैल रही है. हालांकि देखो जी, इतना कुछ हमारे गुरुजी पर लगा लें, गुरुजी फिर भी भलाई के काम करते ही हैं. जगह जगह जाओ कि सफाइयाँ करते हैं, गंद उठाते हैं. तो ये मीडिया वाले वो दिखाते हैं, गंदे दिखाते हैं, वो क्यों नहीं दिखाते जो अच्छे काम कर रहे हैं? वो भी दिखाना चाहिए ना. तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे गुरु जल्दी से जल्दी आ जाएं, उन्हें रिहा किए जाएं, जो इल्ज़ाम लगाए हैं ये सब झूठे हैं. तो एक बहुत बड़ी मांग और एक मैं कहूँ तो बहुत बड़ा क्वेश्चन इन्होंने रखा सामने, कि जो बहुत कुछ गलत होता है वो कभी सामने क्यों नहीं आता दुनिया में? जो अच्छे काम डेरा सच्चा सौदा करता है, सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ईसा कहते हैं, वो कभी सामने क्यों नहीं आते? और चंद लोग अगर आकर कुछ कहेंगे कि डेरा ऐसा है, गुरुजी ऐसा है, तो वो सब सच्चाई होगी. लेकिन जो ये 6 करोड़ 7 करोड़ लोग बोलते हैं, इनकी बातें नज़रअंदाज क्यों करी जाती हैं? तो ये मांग इन सबकी है कि आखिर सच्चाई, इनको न्याय मिलना चाहिए, गुरुजी को
सबके बीच वापस आना चाहिए। आप देखते रहिए हमारा चैनल, हम यहाँ पर आने वाले सभी लोगों से आपको रूबरू कराएंगे, सभी लोगों से आपको मिलवाएंगे जो लगातार न जाने कितने वर्षों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, सिर्फ आते ही नहीं जो यहाँ पर रहते भी हैं उन सभी से आपको मिलवाएंगे और निकालेंगे यहाँ की सच्चाई क्या है। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट एआई। थैंक यू सो मच।